हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे पीछे एक सर्किट बोर्ड देख सकते हो, इसके अंदर हम जो फैन रेगुलेटर लगाते हैं तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूट्रल को तो हम ऊपर कॉमन कर देते हैं और यहाँ पे एक तार जो रह जाता है फेज का रह जाता है, जिससे हम रेगुलेटर से कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ होता क्या है फ्रेंड, हम एक तार को जो हम टेप कर देते हैं वो गर्मियों के कारण खराब हो जाती है और यहाँ से उतर के और किसी भी एक तार से टच हो जाती है, जिससे क्या होता है शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। तो आज हम इस तार को टेपलेस बनाएंगे, तो देखते हैं फ्रेंड्स इसके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम इसकी यहाँ से टेप हटा लेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमने इसकी टेप हटा ली है। दूसरा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे स्विच के अंदर बस बार है, तो जो फैन से यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट हो रहा है, तो हम इस पहले इस बस बार को भी हटा लेंगे। यहाँ पे हमने इसकी बस बार हटा ली है। अब जो ये देख रहे होंगे फैन का तार ऊपर से आ रहा है, इसको हम लगाएंगे यहाँ पे स्विच में। हमने बस बार को हटाई थी तो एक तार बच गया, इसको हम लगा देंगे डायरेक्ट फेस के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो ये वाला रेड वायर है रेगुलेटर का, उसको कर दिया है डायरेक्ट और यहाँ से दूसरा वायर आके स्विच के अंदर चल गया और स्विच के माध्यम से होता हुआ यहाँ पे हमारे फैन में चल गया। अब इसको करते हैं हम बंद और फिर इसको चला के देखते हैं। करते हैं फ्रेंड टेस्टिंग।